साथ प्रियंका शर्मा, रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ सहयोगी श्वेता भी होंगी, लेकिन बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। तेजस्वी के आरोप पर चिराग पासवान ने पलटवार किया है और कहा है कि 4 जून को पता चलेगा कि किसको गोली लगी है। जनता देगी जवाब, जनता विपक्ष को करारा जवाब देगी और ये बताएगी कि आखिर किसको मिर्ची लगी है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव का एक बयान यहाँ पर वायरल होता है एक बार फिर से। लगातार बार बार उनकी जो बयान है वो वायरल हो रहे हैं। इससे पहले हमने मछली वाला सुना था, फिर अब मिर्ची वाला बयान सामने आया है, जिसको लेकर अब बार पलटवार हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप की तस्वीर सामने देखने को मिल रही है और इसमें चिराग पासवान कहते हैं कि 4 जून को पता चलेगा कि आखिर असल में मिर्ची किसे लगी है, क्योंकि तेजस्वी की तरफ से ये जो मिर्ची वाला बयान जारी किया गया, ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर में यहीं से इस वीडियो को शूट किया जाता है, मिर्ची लगने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जाता है। लेकिन क्या कुछ कहा अब वो सुनवाते हैं आपको। नादानी में लोग ऐसी हरकतें करते हैं भाई, दिन कितने बचे हैं और ऐसे में थोड़ा सा सब्र। और कितना, आज 23 तारीख हो गई है, 23 तारीख आज हो चुकी है, 23 तारीख आज हो चुकी है और महज 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी। तो चिराग पासवान इस पर जवाब दे रहे हैं, नीरज कुमार इस पर जवाब दे रहे हैं, लेकिन पता है तेजस्वी को कि मई के महीने में तापमान को और ज्यादा कैसे बढ़ाया जाता है। सियासत का एक के बाद एक वीडियो जारी करके वो बीजेपी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी भी लगातार हमलावर है। एक रिपोर्ट देखिए। पहले हेलीकॉप्टर में मछली पार्टी, लालू के लाल की नारंगी पार्टी, और अब तेजस्वी यादव की केक पार्टी। मौसम चुनावी है तो हर बात में सियासत होती है और यही सियासत बिहार में बार बार हो रही है। जब से आरजेडी नेता और लालू यादव के लाल तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में लगे हैं, उनकी सोशल मीडिया टाइमलाइन पर दो वीडियो टॉप पर दिखाई दे रहे हैं। पहला, जब उन्होंने हेलीकॉप्टर में चुनाव के दौरान मछली पार्टी की थी। दूसरा वो, जिसमें वो नारंगी पार्टी करते दिखाई दे रहे हैं। और अब उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से तेजस्वी के एक और पार्टी का वीडियो जारी हुआ है। तेजस्वी यादव के साथ इस वीडियो में वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी दिखाई दे रहे हैं, जो पुराने वीडियो में भी साथ थे। जितने भी वीडियो अब तक पोस्ट किए गए उनमें मुकेश सहनी ही कॉमन फैक्टर हैं, जो पहले तेजस्वी के लिए मछली लेकर आए थे और अब तेजस्वी के लिए सरप्राइज लेकर आए। आज आपके लिए हमने सरप्राइज लाया है, बता है। किस बात का? कुछ है सरप्राइज? अरे कुछ बताइएगा तब तो। ये क्या है? ये आज केक है और हम लोगों का 200 सभा आज होना है तकरीबन, और आज 205 हो जाएगा, पूरा करेंगे तो। इसके लिए आज हम लोग चाह रहे हैं कि केक काटा जाए। आपका तो 200 हो चुका है, मेरा पहली बार ऐसा हो रहा, डबल सेंचुरी हो रहा है। दिमाग में नहीं था कि 200 हो गया है। हाँ, तो अभी 190 के आसपास हुआ है। 200 सभा हम लोग कर चुके हैं। हाँ, 200 विधानसभा में तो हम इससे भी ज्यादा 250 के आसपास जो है सभा है हमने की थी। इस बार हम लोग को 250 पार कर जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि सातवां फेज में भी बाकी है। तो ये सरप्राइज तेजस्वी के 200 रैलियां पूरे होने की खुशी में केक पार्टी करके उन्हें दिया गया। लेकिन इस वीडियो के पीछे 200 रैलियां पूरी करने की खुशी कम, विरोधियों को मिर्ची लगवाना ज्यादा थी, जिसका जिक्र इस वीडियो में दोनों नेता कर रहे हैं। और अभी आज 200 हो जाएगा। आइडिया कहाँ से आया आपको 200 का केक का? कुछ हम लोग कुछ नया करे, लोगों को मिर्ची लगे चीजें। और आज सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अभी क्या, ये भाईचारा वाला जो है ना, ये लोगों को मिर्ची लगना तय है। जो हम लोगों का दोस्ती बना, भाईचारा वाला जो कॉम्बिनेशन बना है, तो बिहार नहीं पूरे देश को मिर्ची लग रहा है। और बिहार की जनता के लिए
निश्चित तौर पे। और बिहार की जनता इतनी गर्मी में भी हम लोगों को सुनने आ रही है, उन सबका जो एक ख्वाहिश है, इस बार संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, गंगा जमीनी तहजीब, नौकरी के नाम पे महंगाई को हटाना और गरीबी को हटाने के लिए जो बिहार की जनता ने समर्थन दिया है, उन सबको धन्यवाद देते हैं। कितनी गर्मी में भी आप लोग आए, निश्चित तौर पे, और यही हमारी विचारधारा है। हम लोग अपने लोगों के लिए, गरीब पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। मुंह मीठा कर लीजिए, क्योंकि इस बार हम लोग का सरकार बनना है और ये सरकार का उपलब्धि में आप लोग मुंह मीठा कीजिए। और हम लोग हमेशा आपसे नफरत के बाजार को बंद करके और दोस्ती का बाजार हाथ बढ़ा रहे हैं आप लोगों के साथ। चलिए शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी कभी मछली पार्टी तो कभी केक पार्टी, हर बार अपने वीडियो में सहनी कुछ लोगों को मिर्ची लगने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं। इस पर जेडीयू ने पलटवार किया है और कहा है कि मिर्ची जनता ने आरजेडी पार्टी को लगाई है। अरे मिर्ची तो बिहार की जनता ने आपके पिता को ऐसा लगाया कि आज सजा याफ्ता के रूप में चिन्हित हो गए। साथ ही साथ आपको इस बात का एहसास है ना कि आप 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मिर्ची लगा रहे थे, जनता लगातार आपको मिर्ची लगा रही है। खैर, सियासत में बयानबाजी का दौर चलता रहेगा, लेकिन असली मिर्ची जनता किसे लगाएगी और आने वाले नतीजे किसके लिए मीठे और किसके लिए तीखे होंगे, ये 4 जून को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अब अगली खबर आपको मैक्सिको से बताते हैं, जहां पर एक चुनावी रैली के दौरान मौसम बिगड़ता है और एकाएक वो मंच गिर जाता है, जिसके बाद 4 लोगों की मौत की खबर आती है और 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। आखिर ये पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। मैक्सिको में एक राजनीतिक रैली के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मैक्सिको के नुएवो लियोन राज्य के सैन पेड्रो गार्जा गार्सिया शहर में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान मंच टूट जाने से यह हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने आई है, जबकि 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। मंच के टूटने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मंच के टूटते ही आसपास भगदड़ मच गई और चीख पुकार होने लगी। नागरिक आंदोलन पार्टी की रैली के दौरान यह हादसा हुआ। मैक्सिकन राष्ट्रपति ने जानकारी देते हुए बताया कि तेज हवा के कारण एक उम्मीदवार की प्रचार रैली का मंच गिर गया और ये हादसा हुआ। हालांकि सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।